हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं बाइक म्यूटर्स। पीछे देखो वेन्यू का काम चल रहा है और इधर खड़ी है वेन्यू हमारी पीछे, ये रही। और इसके अंदर सारा काम मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, तो काम देखना, इंटरेस्टिंग काम करा है पूरा, टोटली इंटीरियर करा है, फ्लोरिंग से लेके पिलर, आपके डोर पैनल, आपका डैशबोर्ड, सीट कवर, सारा कुछ करा है, तो मजा आएगा देखने में। वीडियो में बने रहना। बाइक म्यूटर्स की न्यू वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसी के साथ डेली अपडेट रहने के लिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये लाइट वाली ग्रिल ये जो हमारा पुरानी वाली है उसके ऊपर ही चिपका देंगे। और अभी भैया जो कर रहे हैं वायरिंग का काम कर रहे हैं स्टीरियो का। भैया कौन सा स्टीरियो डाल रहे हैं इसके अंदर? कंपनी वाला ही है। तो ये वायरिंग किस चीज की चल रही है? ये इसके लिए हाइलो कन्वर्टर ला रहा हूं। हाइलो कन्वर्टर एम्प डालेंगे? हाँ। और कंपोनेंट डालेंगे? हाँ जी। तो उसके लिए हाइलो एक कन्वर्टर डाल रहा है। एक बार हाइलो कन्वर्टर दिखा दो ऑडियंस को। ये रहा JBL का डाल रहे हैं इसके अंदर। इससे पहले हमने जो ब्रीजा करी थी उसके अंदर हमने कनेक्ट का यूज किया था, बट इसमें JBL का है। ये हमारी वायरिंग किट है। ये हमने कनेक्ट की यूज करी है या कोई और है? ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज है? बाकी इंटीरियर के लिए क्या हुआ एक एक करके आपको डिटेल देता हूँ और चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे हितेश भाई वेन्यू का इंटीरियर तैयार कर रहे हैं पूरा। एक बार आपको लेदर की क्वालिटी, फैब्रिक की क्वालिटी चेक कराते हैं और आपको दिखाते हैं भाई कैसे पेस्ट करा है। यहाँ पे ये SR फेविकॉल बॉस्टिक यूज करी गई है और पेस्ट करके इसको थोड़ी देर सूखने छोड़ते हैं। उसके बाद जो है इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने से पहले जैसे भैया फिनिशिंग दे रहे हैं फ्रंट साइड पे, वैसे फिनिशिंग देते हैं, बराबर चेक कर रहे हैं हर तरफ से। और जब मैं कहता हूँ भाई जब इंटीरियर का काम करा रहे हो तो हमेशा कोने देख लिया करो, कोने इसमें भी चेक करेंगे प्रॉपरली हम, और आपको दिखाऊंगा कैसे कोने। अभी इसमें देखो यहाँ पे सिलवटें हैं, ये सारी हटाई जाएगी क्योंकि अभी इसका काम नहीं हुआ है। और भैया कितने क्या कहते हैं सारे टोटली इंटीरियर हो रहा है? ये सिर्फ दरवाजे सारे कर रहे हैं? ठीक है। तो रात हो जाएगी आज? शाम तक हो जाएगा ना काम। तो यहाँ पे ये भी वेन्यू की सीट है और इसके ऊपर अभी कवर बनने के लिए गया हुआ है, सिलाई वाला चढ़ा रहे हैं बना के बकेट फिट। ओके। सो एक बार आपको नॉर्मल पैनल भी दिखा दूं। इस तरीके का वेन्यू के अंदर पैनल आता है जिसको हम कन्वर्ट करके ऐसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक है सारा, कोई सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है इसके अंदर। तो ये रहा हमारा बोस्टिक SR फेविकॉल प्लस। अभी काम होने देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको अपडेट देता हूँ चीजों का। ये वाली HID किट के बारे में बता दो, 65 वॉट के अंदर HID किट है। HID के अंदर ये रहा हमारा ब्लास्टर, रिले, हमारी ये पूरी वायरिंग किट है हमारे पास। और उसी के साथ ये रही HID जो कि अभी इसके अंदर है, इसको खोल के जो है लगाएंगे हम लोग। और आपको दिखाऊं भाई पैकेजिंग कितनी प्रीमियम है, वेलवेट टच के अंदर पैकेजिंग दी गई है। और कितने ल्यूमिंस की वो लाइट है इसके अंदर वो नहीं है, बट 65 वॉट है। और एक चीज़ और दी गई है कि कलर टेम्परेचर 6000K का है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 6000K पे कलर टेम्परेचर कुछ ऐसा रहेगा, जितनी कम होगी उतनी वार्म जाएगी लाइट और जितनी हाई होगी उतनी कूल जाएगी। तो 6000K बिल्कुल वाइट है यहाँ पे। और कितनी लूमिन्स की लाइट है वो तो मैं अंदाजे से आपको बता दूंगा, पर एक चीज़ बता दूं, जो नाइट आई आती है वो 35 वॉट में आती है, 65 वॉट है तो यानी कि ज़्यादा ही होगी उससे। तो चेक करेंगे जब डल जाएगा। प्लस आपको मिलता है इसके अंदर एक वारंटी कार्ड इनकी तरफ से, जिसमें डीलर नेम और डिटेल्स जो है फिल कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें लगने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ इनको। आपने देखा था लास्ट टाइम ब्रीजा वाली वीडियो के अंदर, उनपे स्टेयरिंग व्हील कवर भैया नहीं चढ़ाया था। अभी भैया पूरे वेन्यू के डैशबोर्ड के ऊपर फेविकॉल लगा रहे हैं SR, और इसके बाद हम इसका पूरा वो पेस्ट करेंगे जो पीछे पड़ा है। भैया उसके ऊपर लगा दिया ना ऑलरेडी, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। और इसके ऊपर होटगन नहीं मारते नहीं तो पापड़ी आ जाती है, ये बस सूख रहा है। ठंड के टाइम करा रहे हो अगर इंटीरियर का काम तो देखना, थोड़ा धूप वूप में कराओ तो अच्छी बात है, क्योंकि हीटिंग में अच्छी सूख जाती है। प्लस ठंड के टाइम हम ऐसे डाल भी देते हैं आधा घंटा एक घंटा, ताकि ये सूख जाए अच्छे से, उसके बाद हम इस पर पेस्ट करते हैं। गर्मी के टाइम क्या होता है वैसे भी जल्दी सूख जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट ठंड के टाइम थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल के लिए ये प्रॉपर पूरे में भाई एक एक मतलब ऐसे बिल्कुल कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ ना लगाई हो, पूरे पे लगा दिया। ये जो साउंड बज रहा है भाई वेन्यू के अंदर, फिलहाल दिखा दूं, हमने वेन्यू के अंदर डाला है JBL का ये वाला सिस्टम, JBL का बूफर डाला है 1200 वॉट का, जिसकी RMS है तुम्हारे भाई
300 वॉट आरएमएस के स्पीकर है और 1200 आरएमएस की पीक है इसकी, वो 1200 वॉट की पीक है और 300 वॉट आरएमएस के बूफर है हमारे। इसी के साथ हमने डाला यहाँ पे हमारा GTO सीरीज का JBL के दो कंपोनेंट और इसी के साथ JBL का ही हमने एम्प डाला। एम्प आपको चेकआउट कराऊंगा लेकिन उससे पहले GTO 609C चेकआउट कर लो, इस तरीके का कंपोनेंट है जिसके अंदर ट्विटर और क्रॉसओवर आपको मिल जाते हैं। और हमने ये सिर्फ एक ही पेयर डाला यानी कि दो कंपोनेंट फ्रंट में, पीछे कंपनी वाले स्पीकर ही डले छोड़ दिए हमने। ये 90 वोट RMS के हैं और 270 वोट का पीक है इसके अंदर। JBL का मैंने एक चीज देखा भाई, JBL हमेशा जो पीक लिखती है अपनी ऊपर बढ़ा के लिखती है, तो पीक पे इतना ध्यान मत दिया करो। बट 90 वोट RMS के स्पीकर है जो कि आपको जानने के लिए जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। प्लस हमने डैम्पिंग करी है, डैम्पिंग आपको गाड़ी के अंदर जाके मैं समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे वो कहां गए एम्प का डब्बा। ये रहा हमारा एम्प का डब्बा, 1200 वोट का पीक है, पीक को छोड़ दो। और यहाँ पे भाई हमारा सारी डिटेल्स लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। ये 4 चैनल एम्प डाला हमने क्योंकि एक बूफर डाला है और दो कंपोनेंट्स। और वो रही गाड़ी, गाड़ी के अंदर चलते हैं, सीधा इंटीरियर चेक कराता हूँ। ये रहा हमारा एम्प भाई, सुंदर सा छोटा सा एम्प है और अच्छा लग रहा है देखने में। वायरिंग काफी साफ सुथरी है, थोड़े जिप टाइज बांध देंगे इसके बाद जब वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और क्या बढ़िया है भाई एम्प तो देखने में, JBL का जबरदस्त। और वहाँ भैया सीट खोल रहे हैं क्योंकि कवर के ले जाना है। और यहाँ पे दो फ्यूज है इसके अंदर और 4 चैनल एम्प की पूरी वायरिंग हो चुकी है। बैक साइड से एक बार दिखा दूँ आपको, बैक साइड से कुछ नहीं है वायरिंग, खाली हमको जिप टाइज करनी है सारी। और यहाँ सारा सिस्टम खोल रखा है क्योंकि सारा सिस्टम गया हुआ है कवरिंग के लिए। नीचे की तरफ स्कफ प्लेट भी है, पीछे ये कंपनी वाले हैं हमारे। और बूफर ये रहा 300 वोट RMS के, हमारा JBL का सिस्टम। बैक साइड से दिखाता हूँ, ये रहा फुल हैवी है भाई, ये CS सीरीज डुअल मैग्नेट हाई परफॉर्मेंस ऑफ बूफर। और ये सील्ड है या फिर ओपन है देखते हैं। ये सील्ड बॉक्स है आपका प्रॉपर, कहीं पे भी आपको होल नहीं मिलेगी हवा के लिए, बूफर के लिए होल नहीं है, सील्ड एनक्लोजर है ये हमारा। तभी मैं सोचूं कि इतनी जो है लो फ्रिक्वेंसी इसमें से इतनी अच्छी क्यों आ रही है, क्योंकि जो हवा वाली होती है जैसे बेस ट्यूब में एक होल होता है अलग से हवा निकलने के लिए, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी अच्छी आती है और इसमें लो फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी आती है। आपको दूर से एक बार चेकआउट कराऊं और उसके बाद मैं आपको गाने इसके अंदर सुनाऊंगा जब थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। आ जाता हूं एक बार डैम्पिंग पे, डैम्पिंग भी दिखा दूं आपको। डैम्पिंग हमने करी है पूरी गाड़ी में, जैसे वहां देख लो। अगर डैम्पिंग बहुत अच्छे से समझ नहीं होगी तो ब्रीजा वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने साउंड सुनाया था कि डैम्पिंग के बाद कैसा साउंड आ रहा है बाहर मेटल के दरवाजे में से, और डैम्पिंग के पहले कैसा था और बाद में कैसा था, डिफरेंस मैंने दिखाया है। यहाँ पे जहाँ नीड है वहाँ पे भाई थोड़ी बहुत डबल लेयरिंग करी गई है, जैसे यहाँ देख लो जहाँ छोटी पड़ती है उस हिसाब से भी वहाँ पे डबल लेयर करते हैं। और इसमें एक डैम्पिंग तो भाई ये फ्रंट वाले पे हुई है, एक डैम्पिंग हुई है इसके पीछे वाले पैनल पे जो कि ये वाला मेटल है हमारा, और इसका साउंड अब चेंज हो चुका है। और एक डैम्पिंग इस तरफ करी गई है, सेम हमने ब्रीजा में भी करी थी डबल डैम्पिंग। यहाँ पे स्कफ प्लेट मिल जाती है वेन्यू की जिसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, तो ये देख लो थोड़ा सा एक बार आपको लुक दिखाना था, लुक दिखाने के लिए मैंने उतार दिया थोड़ा सा ताकि भाई लुक दिख जाए। बाकी इसको भी चढ़ा देते हैं क्योंकि काम करते टाइम फिर डैमेज हो जाता है, स्क्रैचेज आ जाते हैं। प्लस ये सारी चीज़ें भाई वायरिंग सारी जिप टाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद वॉक अराउंड दिखाऊंगा, उसमें प्रॉपरली आपको चेकआउट कराऊंगा कि किस तरीके की फिनिशिंग आई है और क्या आई है हमारे पास। यहाँ पे थोड़ी देर में ये सारा सूख चुका है और ये जो है भैया क्लिप निकाल रहे हैं पुरानी वाली के सीट के अंदर से, इसके अंदर वायर होती है ना भैया? हाँ जी। ये वायर डालेंगे हमारे बकेट फिट वाले सीट कवर के अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये डैशबोर्ड का कपड़ा चिपका रहे हैं, भाई सजेशन के बाद ऐसे ओनर मेरे को अच्छे लगते हैं जिनको हमने सजेस्ट करा कि आप डलवा लो फ्लोर मैट। फ्लोर मैट के फायदे बताए मैंने, जैसे इस पे भाई लिक्विड विक्विड गिर जाता है, कोई ड्रिंकिंग करता है तो भाई वो गिर जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक गिर जाती है, हार्ड ड्रिंक गिर जाती है, स्मेल करती है गाड़ी ज्यादा। जब भी आप गाड़ी अंदर से मतलब बाहर से क्लीनिंग करवा रहे हो वो वैक्यूम क्लीनर से साफ करता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है इसके ऊपर। ये डस्ट वैक्यूम से भी उतनी ज्यादा क्लीन नहीं हो पाती। हम चढ़ाते हैं भाई इसके ऊपर पूरी फ्लोरिंग
और नीचे जैसे भैया वेलक्रो चिपका रहे हैं इस वाले मैट के साथ वेलक्रो चिपक जाती है फ्लोरिंग के साथ। फ्लोरिंग डाई के अंदर है, कुछ लोग सिलाई वाली चढ़ाते हैं, सिलाई वाली मत चढ़ाना क्योंकि फिर सिलाई के अंदर से भी लीकिंग होकर लिक्विड चला जाता है तो फायदा कोई होगा नहीं उसका। बट अगर आप ये वाली लगवाते हैं भाई, ये प्रॉपर डाई होती है, डिजाइन होता है इसका, वहां पे देखो, तो इसके अंदर कोई चांस ही नहीं होता कि भाई पानी नीचे चला जाएगा। मैं पानी डाल के दिखाऊंगा आपको इसके बाद। और इसके बेनिफिट ये हैं, जैसे आपने बाहर से नॉर्मल वॉशिंग करा ली, अपना एक गाड़ी का कपड़ा गीला कर लो, मैट हटा लो और एक बार खुद मार लो, चाहे उससे लगवा लो, और आपकी गाड़ी बिल्कुल अंदर से न्यू हो जाएगी दोबारा से। और पूरी फ्लोरिंग का काम होने देते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए सारे पैनल वैनल यार खोल रखे हैं हमने, जैसे ही इंटीरियर का काम होता है धीरे धीरे चल रहा है आपके सामने। और स्पीड भाई आई एम इम्प्रेस्ड कि काफी फास्ट काम कर रहे हैं। जैसे सिस्टम अपग्रेडेशन का काम पूरा हो चुका है, स्टॉक स्टीरियो ही है, उसके पीछे हमने एक हाईलो डाला है ताकि जो हमने कंपोनेंट डाले हैं और एम्प के साथ हाईलो कनेक्ट होके वोकल जो है इंक्रीज कर देगा। जेबीएल के कंपोनेंट है, जेबीएल का ही एम्प यूज कर रहे हैं, जेबीएल का ही बूफर डाला, यानी कि जेबीएल का सिस्टम है। पीछे वाले खाली कंपनी फिटेड छोड़ दी क्योंकि जो ओनर है गाड़ी के, वो उनका कहना है कि मैं सोलो ही ड्राइव करता हूँ, रेयरली साल में एक दो बार कभी हो गया तो हम गाड़ी में चार जने जाते हैं, वरना मैं सोलो ही चलाता हूँ। और पीछे भी सारा काम हो रहा है। भैया कितनी देर में फ्लोरिंग कर दोगे आप पूरी? आधे घंटे में देख लो भाई, अगर कोई कराना चाहता है तो जरूर से। अगर गाड़ी खुली हुई है तो खोलने का टाइम बच जाता है, डायरेक्टली फ्लोरिंग हो जाती है आधे घंटे में। इनकेस अगर गाड़ी खोलनी पड़े भाई, सिर्फ फ्लोरिंग का काम करना हो तो आधे घंटे में हो जाएंगे, तब भी आधा घंटा, मतलब एक घंटा अगर कोई लेके आता टाइम तो काम हो जाएगा ना उसका। ठीक है, तो उसके बाद भाई मैं पानी डाल के आपको दिखाऊंगा। ये वेन्यू वाले ये कंपनी के मैट है और हम इसके बाद इसके ऊपर 7D या जो भी मैट डालेंगे वो मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे डैशबोर्ड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे देख लो ये वाली फिक्स कर दिया, ऐसे एसी वाला पैनल फिक्स होगा तो ये चीज जो है अंदर कटिंग वाली ये सारी चीजें ऐसे ये वाली लुक आएगी एक तरीके से। और अभी इधर गीली है ये, और ये जो है ये अलग एक पेस्टिंग है, ये ढंग से पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको दिखाऊंगा जब फिटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे ये देख लो, ये फ्रंट वाले डिफोगर के वेंट है और कुछ लोग क्या करते हैं पूरे पे कपड़ा चढ़ा के फिर ब्लेड से इसको काट काट के कपड़ा अंदर घुसाते हैं, बट उससे अच्छा मेरे को ये लगा क्योंकि उसमें कभी कपड़ा चिपकता है कभी नहीं चिपकता, बट ये जो है ये बेटर एक चीज़ है कि पूरी आपको मिल जाए पूरी लाइन। और यहाँ पे भैया कितनी देर, आधा घंटे में हो जाएगा कम्प्लीट ये वाला लग के? एक घंटे में लग के कम्प्लीट हो जाएगा ये वाला और लग ही रहा। चलो सही है, तो ये कवर चढ़ने वाला है इसके ऊपर भी। और यहाँ एक क्रेट अभी है जिसमें वाली ग्रिल डाल रहे हैं टॉप मॉडल वाली। यहाँ पे पैसेंजर साइड पे सीट डल गई है प्रॉपर, और फिनिशिंग देख लो भी फिलहाल जितनी है उतनी, बाकी एंड में फिनिशिंग कवर करूंगा पूरी टोटली, तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी, समझ में आएगी चीजें। जैसे डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, स्टीरियो डल जाएगा, उसके बाद ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और यहाँ पे सारे नट कसे जा रहे हैं इसके, खाली ये वाली सीट रह गई है पीछे वाली एक, और हमारा डैशबोर्ड रह गया जिसका काम वहां चल रहा है वो देखो ये वाला। और यहाँ पे मैं आपको भाई स्कफ प्लेट की लाइटिंग दिखाऊं अगर, तो लाइटिंग देखो कितनी तेज है इसकी, बंद करते ही बंद भी हो जाती है और काफी बढ़िया लाइट लग रही है। देखो पूरी ब्लू जो है यहाँ पे हो गई है इसकी वजह से, काफी अच्छी लग रही है और ब्राइट है। और खोलता हूँ तो देखो पूरे स्पीकर के ग्रिल तक जा रहे हैं लाइट, और ब्राइटनेस काफी ज्यादा है इस लाइट के अंदर। वेन्यू लिखा हुआ है ऊपर और स्कफ प्लेट ब्लैक में है। ठीक है, ये ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे हेडरेस्ट के लिए पॉइंट होते हैं दो, तो उसकी कटिंग चल रही है अभी, और कटिंग करके फाइबर का है जो उसके नीचे, इसके नीचे टकिन कर देंगे इसको प्रॉपरली। और यहाँ पे कटिंग का प्रोसेस देख लो, टकिन स्क्रू ड्राइवर से करोगे वैसी? अच्छा हो गई, ये देख लो हो गई, सेम उस साइड भी हो जाएगी। भाई को ले ले, इनसे को ले ले। अन्ना कौन भाई था? मैं मिल के भी आ गया। ये देख लो ये व्हाइट वाले रिवर्स के हैं, और ब्रेक पे ये पूरी सर्कल जल जाती है इसके ऊपर। अब भाई टाइम आ चुका है, पूरे दिन से सारी चीजें मैंने कवर करी है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेन्यू की आउटसाइड लुकिंग में क्या क्या हमने चेंजेस करे हैं, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस करे हैं। अभी एक वॉक अराउंड में आप सारी चीजें समझ जाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। स्टार्ट करता हूँ वेन्यू के बारे में बताना आपको फ्रंट की तरफ से। सबसे पहले IPH का प्रोजेक्टर है, HID मैंने आपको दिखाई थी कौन सी डाली है, एक HID हमने इसके अंदर डाली है, यानी कि एक पेयर हो गया फॉग लाइट की और एक पेयर हो गया हमारे जो प्रोजेक्टर ऑलरेडी आते हैं। ये साइड वाली बल्ब है, ये हमने चेंज नहीं करा है। जब आप स्टेयरिंग काटते हो जैसे
हिल्स पर ड्राइव करते हो तब ये वाली जो है रोड के साइड दिखाते हैं हमको, ये वाली DRL कंपनी फिटेड है, उसके ऊपर हमने क्रोम किट डाले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे IPH के प्रोजेक्टर हमने पीछे ही फिट कराए इसके, और इसके पीछे ही HID डाली गई है। यहाँ पे ग्रिल डाली गई है वेन्यू की, जो कि चिपकती है हमारे कंपनी के ग्रिल के पीछे, जैसे आप देख सकते हैं पीछे क्रोम वाली ग्रिल है, और उसके ऊपर ये ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर ग्रिल है लाइट वाली हमारी वेन्यू की, अगर आप चाहें तो डलवा सकते हैं। यहाँ पे भी क्रोम किट इंस्टॉल करी गई है, बल्ब जो है हेलोजन है, ये हमारी गाड़ी के इंडिकेटर रहने वाले हैं। सेम इसी साइड पे भी HID इसके अंदर, और प्लस हमारी DRL रिंग है, उसके बाद हमारा IPH का प्रोजेक्टर, और IPH के प्रोजेक्टर के पीछे हमारी HID डली हुई है। अगर ऊपर की तरफ आऊँ तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं विंडो गार्निश डाली गई है यहाँ पे, और क्रोम वाले हमारे डोर वाइजर डाले गए हैं वेन्यू के अंदर। यहाँ पे क्रोम वाले हैंडल डाले गए हैं जो कि आगे पीछे आपकी दोनों की तरफ है। जैसा कि भैया ने बताया, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, इसीलिए भैया ने थोड़ी सेफ्टी के लिए यहाँ पे नीचे वाली बिडिंग भी डाली है, क्योंकि उत्तम नगर में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। जो लोग दिल्ली में उत्तम नगर की तरफ रहते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये भी क्रोम के अंदर डाली है वेन्यू की, साइड क्लैडिंग के ऊपर हमने क्रोम डाला है वेन्यू, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इनग्रेव्ड है, ये 3D है, तो आप देख सकते हैं ये 3D टेक्सचर है, और ये जो है हमने साइड क्लैडिंग के ऊपर डाला क्रोम के अंदर, टच काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये चार पीस डाले हैं भाई सारी चारों की चारों क्लैडिंग के ऊपर, यहाँ से भी चेकआउट कर लो वेन्यू की क्लैडिंग के ऊपर। और ये हमने क्रोम वाला हैंडल डाला है। बैक साइड पर आ जाऊँ तो बैक साइड पर क्रिस्टल वाली लाइट मिलती है हमको वेन्यू के अंदर, और यहाँ पे हमने क्रोम किट के अंदर के साथ जो आगे पीछे के सेट आते हैं उसके अंदर ही हमने यहाँ पे क्रोम डाली है। सेम ये हमने चेंज करा, ये डेमो रिफ्लेक्टर होते हैं, अगर आप मेरी लास्ट वाली वेन्यू की वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया था कि एक LED वाला भी आता है जो कि ब्रेक लाइट पर और आपके रिवर्स गियर पर वर्क करता है, तो वो जिन लोगों ने देखी वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर आता है डेमो रिफ्लेक्टर, जिस पर लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, बट ये हमने LED वाली डाली है जो कि ब्रेक पे भी चलती है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों की पाँचों LED हमारी रिवर्स गियर पर चलती है। इसी के साथ इस तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी सेम लाइटें, और यहाँ पे भी हमने क्रोम किट डाली है बैक लाइट के अंदर। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना डाला गया ऊपर की साइड पे, रैपिंग वैपिंग कुछ भी नहीं करी है इस साइड पे, और यहाँ पे भी सेम हमको विंडो गार्निश मिल जाती है हमारी, और डोर वाइजर मिल जाता है क्रोम के अंदर। इसके ऊपर अगर आपको लग रहा हो थोड़े बहुत स्क्रैचेज हैं तो भाई ये वाली पन्नी आप उतार सकते हो, ये देख लो इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, वो पन्नी आप उतार सकते हो, ये देख ली आपने, ये देखो भाई आगे शाइनिंग ठीक है। तो इसी के साथ हमने डाले स्कफ प्लेट, साथ ही साथ एम्बिएंट लाइटिंग। स्कफ प्लेट ब्लू कलर के अंदर बहुत ब्राइट है, चेकआउट करो एक बारी कैसा एक थीम मिल रही है, कैसी लुक आ रही है। फ्रंट की स्कफ प्लेट थोड़ी सी बड़ी होती है, रेयर की थोड़ी सी छोटी होती है, रेयर की स्कफ प्लेट भी काफ़ी ब्राइट है, और बैक साइड पर भी एम्बिएंट लाइट जो फ्रंट पर डाली है बैक साइड तल पर मैंने सेट कर रखा है डिस्को, इसको सब करा सकते हो, उसको अभी आपको चेकआउट कराऊंगा। उससे पहले स्कफ प्लेट के साथ साथ यहाँ पे कितनी ब्लूइश थीम आ रही है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जब भी मैं इंटीरियर की कॉर्नर्स की इंटीरियर की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई कॉर्नर्स देखा करो, जब भी आप कहीं से इंटीरियर करा रहे हो हमसे करा रहे हो तो मैं होऊंगा भाई आपके साथ, और मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ गड़बड़ है या क्या चीज़ सही है, और साथ ही साथ मैं करेक्ट भी कराता हूँ। जैसे इस गाड़ी में भी मैंने स्टेयरिंग के टाइम पे करेक्शन करवाई, सीट कवर के टाइम पे करेक्शन करवाई, साथ ही साथ मैं दो चार चीज़ें कहता रहता हूँ भाई ये चीज़ एक बार देख लेना ज़रूर से। तो उसी के साथ यहाँ पे कॉर्नर चेक कर सकते हो, ये हमने डाला है पेगासस प्रीमियम लेदर पूरी गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे भी पेगासस प्रीमियम लेदर यूज़ करा गया, और इसके अंदर डिज़ाइनिंग एक बार देख सकते हो किस तरीके की है, और इसकी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है आपको, तो टेंशन फ्री वाला काम है, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार करा लिया और धक्का मारो, नहीं, तो पूरी प्रॉपर है। अभी वो बंद नहीं करा है, वहाँ पे स्क्रू होता है वो मैं अभी बंद करवा दूंगा, बट कॉर्नर्स चेक कर लो, और यहाँ पे बैक साइड का पिलर हमारा प्लस पूरी सिलाई, और उसी के साथ हमारी भाई ये सीटें, भैया म्यूट करना, इस साइड से भी एक बार चेकआउट कर लो कि कैसी लग रही है सीटें। एक बार आपको इंटीरियर का आइडिया मिल गया होगा तो आप ये सेम डिज़ाइन ला के दिखा सकते हैं यहाँ पे कि मेरे को ये सेम डिज़ाइन चाहिए, और आपके लिए भी हम सेम डिज़ाइन तैयार कर देंगे। अगर सीट की तरफ आऊँ तो सीट में भी डबल स्टिचिंग मिल जाएगी आपको नायलॉन के अंदर, नायलॉन थ्रेड में शाइनिंग वाली मिल जाएगी, प्लस आपको मैगजीन होल्डर दे दिया जाएगा। यहाँ पे बैक साइड पे प्लेन रखी गई है ब्लैक लेदर के अंदर, ये भी जो है पेगासस प्रीमियम लेदर यूज़ करा गया है। यहाँ हमने 70 मैट डाले हैं जिसके अंदर ये निकाल के आप झाड़ सकते हैं, प्लस इसके अंदर हमने फ्लोरिंग भी करी है, ये देख लो फ्लोरिंग भी एक बार, फ्लोरिंग मैंने जैसे कि गाड़ी में दिखाया कैसे करा है हमने फ्लोरिंग के फ़ायदे, पानी वानी आपकी मैट के अंदर नहीं जाता, और यहाँ पे 70 मैट प्रॉपर आया है इस गाड़ी के अंदर, और AC वेंट रेयर पैसेंजर के लिए, हैंडरेस्ट के ऊपर भी लेदर स्टिच किया गया। इसी के साथ आता हूँ मैं उस तरफ, एक बार फ्रंट के डोर चेक कर लो पैसेंजर साइड के हैं ये वाले, और ये सो है बंद हो चुका है यहाँ से। यहाँ पे भी स्कफ प्लेट काफ़ी अच्छी ब्लू थीम मिल रही है, प्लस ये वाइट कर रखा है। आपको इसका एक बार ही रिमोट दिखा दूँ, ये हमारे सिगरेट लाइटर वाले चार्जर से चलता है। अब इसमें कलर दिखा दूँ आपको, ये रहा हमने सेंसर बाहर की तरफ रख रखा है,
और ये कलर्स देख लो एक बारी, और इसमें डिस्को भी होता है। डिस्को कहाँ गया, शायद ये होगा या ये वाला होगा, ये देखो। तो करवा सकते हो जो भी आपको थीम अच्छी लगती है। फिलहाल मेरे को तो इसमें ये वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने वाइट पे छोड़ दिया। अब आता हूँ इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर आपको चेकआउट कराता हूँ कि कॉर्नर टू कॉर्नर कितना अच्छा करा। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो करा है ये वाला हमने अलग से लगाया है, जो कि आप लेदर देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा कर्व था कि ये फिट नहीं हो पा रहा था। प्लस इसके अंदर अभी थोड़ी सी बॉस्टिक डली हुई है जो कि सूख रही है, और यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि बिल्कुल कर्व हो गया था यहाँ पे आके जब डल रहा था तब मैंने देखा था। और जैसा मैंने बताया था एसी वेंट के साथ ही सारी फिटिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे फिटिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छी प्रॉपर आई है। और यहाँ पे हमने ये भी डाला है, ये डांस करता है, और आगे से भी दिखा दूँ तो आगे से पूरी फिनिशिंग अच्छी हुई है। अब मैं इंटीरियर के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, स्टीयरिंग व्हील एक बार खाली आपको दिखाऊँगा कि कैसा करा है। ये भी नायलॉन थ्रेड में करा हमने, और इंटीरियर आप उधर से भी देख लो और इधर से भी एक बार देख लो। इसमें सनरूफ वाला मॉडल है ये। तो एक बार मैं इंटीरियर के बारे में ज़्यादा नहीं बात करते, इस बार कंफर्ट की बात करते हैं ओनर से जिन्होंने गाड़ी का काम करवाया। तो भैया जो सीट कवर आपने ये वाले बनवाए हैं तो कंफर्टेबल आपको लगे? टेबल लगे, हाँ ये कंफर्टेबल भी है, काफ़ी अच्छी बकेट की फिटिंग कराई है उन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी। हाँ पूरी बकेट फिट करवाई है, और मैं सामने मैं साथ में ही था उनके, और मैंने सारी चीज़ें बोली कि भाई ये चीज़ ऐसे करो या वैसे करो, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। और बस इसमें एक प्रॉब्लम इसमें आई है थोड़ी सी मेरे को जो लगी, क्योंकि इसकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये पैनल खुलता नहीं है, ये दोनों खुलते नहीं हैं। तो इसके अंदर जो है टकिन करके फिटिंग करिए, जैसे हम यहाँ स्टीयरिंग व्हील में टकिन करके करते हैं, तो यहाँ पे भी टकिन करके फिटिंग करिए। अगर ये पैनल खुल जाता तो इसमें काफ़ी अच्छी, ये तो निकल जाता है बट ये दोनों चीज़ें नहीं खुलती। अगर ये दोनों चीज़ें खुलती होती तो हम इसके अंदर और अच्छी फिटिंग दे सकते थे, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। प्लस इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग आपके सामने है। ये जो है ऑफ़ करना हो तो यहाँ से एक स्विच आपका ऑफ हो जाएगी और एक ही स्विच पे ऑन हो जाएगी। और ये स्टॉक स्टीरियो डाला हुआ है इसके अंदर। और साउंड में हमने क्या क्या करा भैया? साउंड में हम लोगों ने फ्रंट में JBL के दो कंपोनेंट डाले हैं, और एक एम्पलीफायर है और एक वूफर डाला है, और JBL का ही एम्पलीफायर भी डाला है। सर कह रहे थे मेरे को एक बार इन्फिनिटी का सब बूफर चेक करा दो, बट फिर मैंने सजेस्ट करा जब आपने कंपोनेंट भी JBL के डाले, MBJBL का डाला, तो एक JBL का ही सिस्टम रखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है और काफी अच्छा वर्क करेगा। आउटपुट आपको सुनाता हूँ जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो चलो सुनाते हैं। आउटपुट सुना रहा हूँ आपको कैसा स्टीरियो में से आ रहा है। जो बेस है हमने वो थोड़ी सॉफ्टर साइड पे रखी है। हाँ, बेस मैंने कम करवाई है क्योंकि भैया को वो बिल्कुल थंप नहीं चाहिए थी। हाँ। और भैया एक बार जो भैया का मन था कि एक बार बेस ट्यूब के लिए, तो मैंने एक चीज बताई कि जो हमारा ये वाला एनक्लोजर डाला है वो सील्ड है, और जो दूसरा वाला बेस ट्यूब डालेंगे उसमें हवा के लिए स्पेस होगी तो वो बड़बड़ाहट ज्यादा देती है, ये वाली जो है सॉफ्ट बेस आपको ज्यादा देती है। उसमें भैया ने बेस थोड़ी और कम करा दी, बट अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सुनेंगे गाना तो वहाँ पे मैंने जब सेटिंग होने से पहले की डाली है तो वहाँ पे बेस बढ़ी हुई है, तो आप वो जाके सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही है aman_bag करके। अब ये एक बार फ्रंट की वो चेकआउट कराते हैं लोगों को कि कैसा ये हेडलाइट का फोकस है। एक बार आप लो बीम पे कर दो इसको, अभी लो पे है। लो पे ही है। हाँ। और ये हमारी पहले लो बीम ही छोड़ दो आप, ये हमारी लो बीम का है जिसके अंदर हमारी फॉग लाइट वर्क कर रही है, जिसके अंदर हमारी और प्लस हेडलाइट के अंदर से प्रोजेक्टर चल रहा है लो बीम पे। हाँ। अब एक बार डिपर या फिर पास या फिर हाई बीम कुछ भी करके दिखा दो, ये हो गई हमारी हाई बीम। और अभी गाड़ी भाई स्लांट खड़ी है, पीछे से ऊंची आगे से नीचे, इसलिए थोड़ी जो है बीम रोड पे जा रही है, बट अगर आप स्ट्रेट रोड पे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो अच्छी HID है, ये सजेस्टेड है, बट अगर
बट अगर आप क्रेटा वाली वीडियो देखेंगे उसके अंदर भैया को चाहता था जब मैं पास मारूं तो एकदम से बीम जाए, तो उसमें हमने एलईडी डाली थी हाई बीम में क्योंकि हाई बीम पास मारती है, और लो बीम में हमने एचआईडी डाली थी क्योंकि एचआईडी मेरे को ज़्यादा ब्राइट लगती है और उसका फोकस ज़्यादा अच्छा लगता है प्रोजेक्टर के लिए। तो सजेस्टेड है सबको अगर आपने दोनों प्रोजेक्टर डाले तो मेरे हिसाब से एचआईडी ही डलाना, एलईडी डलाओगे तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा। जैसे इसमें हेडलाइट में भी प्रोजेक्टर है और हमारे फॉग लाइट में भी प्रोजेक्टर आईपीएच के, तो इसीलिए आपके सामने रिजल्ट है। चलो तो चलो भाई रात हो चुकी है, मैंने आपको एक एक चीज़ गाड़ी के अंदर दिखा दी बहुत बढ़िया से, जितने बड़े से मैं दिखा सकता था। इंटीरियर मैंने अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करा क्योंकि सुबह से मैं इंटीरियर की ही वीडियो बना रहा हूँ, कैसे फिटिंग हो रही है कैसे क्या हो रहा है सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब रात हो चुकी है, 10 बजने वाले हैं 15-20 मिनट के अंदर, तो सर को बाय बोलते हैं। बाय बाय। और सर ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, तो सर भी वीडियो देखते रहेंगे, आप लोग भी वीडियो देखते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भैया को मैं लिंक दूंगा, भैया अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो का लिंक देने वाले हैं। वैसे आपको काम से सेटिस्फेक्शन पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को रिकमेंडेड करना चाहेंगे तो? बिल्कुल, मैं अपने फ्रेंड्स जो भी मेरे से पूछेंगे इसके बारे में मैं उनको ये जरूर सजेशन करोगे, मतलब कि काम अच्छा हुआ है आपकी मर्जी का हुआ है। तो सर ने लेदर बताया कैसा चाहिए, हमने वैसा लेदर चढ़ाया और सर को मजा भी आया। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।